Next, Junior, please. I really like your confidence. मुझे लगता है बहुत कमाल होने वाला है. मृत्यु, 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 मृत्यु. उनकी बात मत सुनिए. राजीव मैं शमशान. अब से उनकी एक बार और लड़ाई. जी माफ कर दीजिए ना राणा जी, माफ कर दीजिए, जान बख्श दीजिए राणा जी. हम तुम्हें जीवन दान दे सकते हैं शमशान, पर बर्क. हमें आपकी हर शर्त मंजूर है. आप जो कहें हम करने को तैयार हैं. बोलिए राज, बोलिए, हुक्म कीजिए, हुक्म कीजिए, बस हमारी जान बख्श दीजिए. सुनो शमशान, किस प्रतिबंध पे हम तुम्हें जीवन दान दे सकते हैं, ये कान खोल कर सुनो. बोलिए राज. मेवाड़ की सीमा के भीतर जहां जहां जितने भी अफगानी सिपाही हैं, तुम उन्हें तत्काल हथियार डालकर आत्मसमर्पण करने का आदेश दो. हो गया, भेज दिया संदेश. तस्लीम, तस्लीम, तस्लीम. और सुनो, पिछले एक बरस में तुम अफगानियों ने मेवाड़ और मेवाड़ी जनता से जितनी भी धन संपत्ति लूटी वो सब वापस लौटानी होगी. एक कतरा भी अपने पास नहीं रखेंगे. हमारा क्या है, सब आपका है. हम तो भिखारी, सब आपका है. और अंतिम प्रतिबंध, ये छावनी जहां तुमने डेरा डाला हुआ है, ये सब उठ जानी चाहिए. सारे अस्त्र शस्त्र तोड़ तोड़ के हमारे अधिकारियों के पास जमा कराने. बोलो, स्वीकार है ये प्रतिबंध? सुन लो, सुन रहे हो? जमा हो गया राणा जी. और बोलिए, आज सांझ का सूरज ढलने से पहले तुम मेवाड़ की धरती छोड़कर अपने देश अफगानिस्तान की तरफ प्रस्थान करोगे शमशान. कल सुबह अगर मेवाड़ की धरती पर एक भी अफगान सिपाही दिखाई दिया तो हम उसे अभी से मृतक मान सकते हैं. बोलो, स्वीकार है ये प्रतिबंध? स्वीकार, स्वीकार, हर प्रतिबंध स्वीकार. महाराणा उदयसिंह जी की जय. महाराणा उदयसिंह जी की जय. महाराणा उदयसिंह जी की जय. आप यहीं रुकिए, मैं आपके लिए पानी लेकर आती हूं. जल्दी सुनना पड़ेगा ये को समाचार. हम हार गए ना याजी, सब खत्म हो गया ना. जब तक कुछ पता ना चले विचलित मत होना महारानी साहब. अजन में बच्चे पर बुरा असर पड़ता है, धैर्य रखिए. महारानी साहब रुक जाइए, महारानी साहब रुक जाइए, मत जाइए.
शमशान का आदेश लेके आई हूँ पार्वती, तो उसे जाके कह दो कि हम भी राजपूतानी हैं। उसके हाथ लगने से अच्छा है हम अपने हाथों से अपनी जान ले ले। नहीं नहीं महारानी सा, मरे आपके शत्रु, हम तो ये बताने आए हैं कि हम युद्ध जीत गए हैं। शम्स खान ने मेवाड़ नाथ के सामने हथियार डाल दिए हैं। हम सच में जीत गए। हाँ महारानी सा, ये भी है और ये भी। याची, हमें जल्द से जल्द महल जाना है। अब राणा जी के चेहरे को देखे बिना हमें चैन नहीं आएगा। हम और प्रतीक्षा नहीं कर सकते याची, हमें महल जाना है। आप चलिए, हम महल चलेंगे। पार्वती, कुंवर प्रताप के बारे में कुछ पता चला? सब लोग उनकी बातें कर रहे हैं। इस युद्ध में जीत उन्होंने ही तो दिलाई है। उन्होंने ही तो राजाणा जी के साथ मिलकर मेवाड़ का ध्वज लहराया है और देखते ही देखते उन्होंने सारे युद्ध का पासा ही पलट दिया। उन्होंने ही बचाया है मेवाड़ को महारानी सा। सच? संभल के महारानी सा। क्या संभल के याची, पंख होते तोड़ के चले जाते। आप नहीं जानते हमारा मन कितना अधीर हो रहा है। कुंवर प्रताप, हमें जल्दी जाना होगा। एकलिंदी की जय! एकलिंदी की जय! एकलिंदी की जय! एकलिंदी की जय! महाराणा उदयसिंह जी की जय! महाराणा उदयसिंह जी की जय! महाराणा उदयसिंह जी की जय! इस विजय का असली श्रेय जाता है उन शूरवीरों को जिन्होंने राज राणा जी के एक इशारे पर मेवाड़ के ध्वज को फहराने के लिए हंसते हंसते अपने प्राण दे दिए। मेवाड़ की जनता और मेवाड़ का इतिहास राज राणा जी का ऋणी है और उनके इस अभूतपूर्व शौर्य को सदा के लिए सम्मान के साथ याद रखेगा। हुक्म। एक शूरवीर जो कर सकता है, आज राज राणा जी ने वो सब कुछ किया। एक तो दुख की बात तो यह है कि ये क्या है रावत जी, बोलिए रावत जी। मेवाड़ के ध्वज को कीर्ति स्तंभ पर लहराते देखने के लिए राज राणा जी हमारे साथ नहीं। जी अपने बलिदान का सबूत नहीं कर जाते, पर एक बार अपनी आंखों से देखते कि आपकी वीरता ने शत्रुओं को कैसे परास्त किया,
देखी है राज राणा जी, देखी मेवाड़ की विजय आपके रक्त में नहा कर जन्मी। आपके बलिदान ने मेवाड़ के शत्रुओं को पराजित कर दिया। राज राणा जी आपने स्वयं को मिटाकर मेवाड़ के मान सम्मान को बचाया। राणा उदय सिंह आपके आपके इस बलिदान को शत शत नमन करता। रावत जी हुक्म, राज राणा जी और उनके सैनिकों का पूरे राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया जाए, ये हुक्म। राज राणा बहादुर की जय। 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 एक बात बताइए रावत जी, अगर राज राणा जी ने मेवाड़ का ध्वज फहराने से पहले अपना बलिदान दे दिया था तो वो कौन है जिसने कीर्ति स्तंभ पर मेवाड़ का ध्वज फहराया है? बताइए रावत जी, नाम बताइए उस शूरवीर का। हम उसे मेवाड़ का सर्वोच्च सम्मान देंगे, हम उसे आदर सहित दरबार में स्थान देंगे। उस शूरवीर की आने वाली पुश्तें आनंद से जिएंगी। उस शूरवीर का नाम बताइए रावत जी। हुक्म, आप जिन्हें ये सब सम्मान और पुरस्कार देने की बात कर रहे हैं ये सब उनके पास पहले से ही है। लेकिन ऐसा कौन सा शूरवीर हो सकता है? वो आपका अपना लहू है, आपके ज्येष्ठ कुंवर पावजी राज प्रताप सिंह। समाहित जीवन मेरे अमृत जिसे समझ आगे बढूं, कहे पिता मुझको मैं जो शासक बनूं, अंग प्रजा का बन इतिहास गढूं। लड़के को संभाल के रखिएगा, क्योंकि एक बात
हम ईमान से कह सकते हैं, आप अपनी जिंदगी में अपने लिए जितने दुश्मन बनाएंगे बाखुदा आप उम्र भर बनाते ही रहेंगे। आपका हर दुश्मन आपसे पहले आपके इस लड़के की गर्दन उड़ाने का प्यासा रहेगा। कम से कम हम तो इसके प्यासे। रावत जी, शम्सखान, अपने हथियार डालो और चले जाओ हमारी पवित्र मातृभूमि से दूर, क्योंकि जब तक हमारी मातृभूमि पर तुम्हारे गंदे पांव हैं, तुम्हारे धड़ से तुम्हारा सर अलग ना करना हर क्षण हमारे लिए मुश्किल होता जा रहा है। आज राणा जी और कुंवर प्रताप के स्वागत में इस महल को नववधु की तरह सजा, दिए जलाओ, फूल बिछाओ, इत्र उड़ाओ और देखो यहाँ पर इतने फूल बिछाओ कि हमारे प्रताप के पांव को धरती छू तक ना सके। चारों ओर फूल ही फूल बिखेर दो। जाओ तैयारियां करो। जीजा, जीजा, वो शक्ति लौट रहे हैं। हमारे सारे पुत्र वापस आ रहे हैं। मानसी जी का संदेश आया है कि वो सबको अपने साथ लेके आ रहे हैं। जीजा हम बहुत खुश हैं। एक बार फिर हम कुंवर शक्ति को अपने सीने से लगा सकेंगे, अपने सभी पुत्रों को अपनी आंखों से बड़ा होते देख सकेंगे। जीजा, एकलिंग जी, आज हम बहुत खुश हैं, बहुत ज्यादा, कि हम बता भी नहीं सकते। जीजा, हाँ बेना, आप सब कर पाएंगे, सब। और इसका श्रेय आपके बेटे को जाता है जी। हमारे बेटे को। हमारे बेटे को, हमारे बेटे को, हमारे बेटे को। अब भला आपकी आंखों में आंसू क्यों है गुर्जर भाई? क्योंकि मैंने इतना खुश आपको कभी नहीं देखा महारानी सा। एकलिंग जी झूठ ना बुलवाए, इतनी खुश तो आप बाहुजी राज के जन्म पे भी नहीं हुई थी महारानी सा। क्या मैं झूठ बोल रही हूँ? नहीं गिर जाता है, आप सच कह रहे हैं। हम आज बहुत खुश हैं, बहुत खुश, और वो इसलिए क्योंकि कुंवर प्रताप का नया जन्म हुआ है एक मातृभूमि के रक्षक के रूप में। बच्चे को जन्म देने में तो सभी को खुशी होती है, हमें भी हुई थी गिरजादाई, पर इतनी सी उम्र में उन्हें इतना बड़ा काम करते देखना, इससे बड़ा कोई सुख नहीं गिरजादाई। महारानी सा, इस महल में पहली बार इतनी खुशी आई है, किसी की इस पर बुरी नजर ना पड़े। चलो अब यहां से। शम्सखान, शम्सखान, अभी तुमने मेवाड़ और मेवाड़ की जनता की सबसे मूल्यवान वस्तु तो वापस की ही नहीं, इसे समर्पित किए बिना तुम जा कहां रहे हो शम्सखान?
अपने परम प्रतापी पूर्वजों का वंशज मैं महाराणा उदयसिंह ये प्रण लेता हूं कि जब तक मेवाड़ की स्वतंत्रता का ये चिन्ह अपने शत्रुओं से वापस नहीं ले लेता तब तक चैन से नहीं बैठूंगा। एकलिंग जी की जय। एकलिंग जी की जय। महाराणा उदय सिंह जी की जय। मेवाड़नाथ की जय। मेवाड़नाथ की जय। नेक्स्ट जूनियर प्लीज। Really like your confidence. मुझे लगता है बहुत कमाल होने वाला है।